हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। भगवानपुर थाना क्षेत्र के आधे दर्जन गांवों के किसानों ने एक अनोखी पहल की है। बता दें रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों के किसानों को रोजगार का अनोखा अवसर मिला। दर्जनों किसानों के परिवार एक अलग तरह की खेती करके रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं और खेती से गांव को खुशहाल बनाने का संकल्प भी ले रहे हैं। दरअसल भगवानपुर क्षेत्र के किसान अलग किस्म की जड़ी बूटियों की खेती कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि उन्हें एक कंपनी इस विशेष खेती का बीज और खाद्य उपलब्ध कराती है, जिससे किसान अलग किस्म की जड़ी बूटियां अपने खेत में तैयार करते हैं। बता दें इन फसलों के नाम पार्सल, थाइमा, सोया, धनिया, सेज, माजून, तुलसा, फ्लाइट पार्सल आदि हैं। ये फसलें तैयार करके किसान लाल टप्पर क्षेत्र में उसी इंडस्ट्री में बेचते हैं, जिनसे दवाइयां और अन्य सामान बनाया जाता है। वहीं अधिकांश किसानों का कहना है कि कोरोना काल में खेतों में काम करते रहने से उन्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई। जी बस मतलब जो यहां तक कंपनी जाता लाल टप्पर यो और क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है? चाहिए नाम है टकावरी गांव है। कितने लोग किस तरह का व्यापार करते हैं आप? बस इसे तैयार कर रहे हैं हम अपना, इसे तैयार कर कर फिर सब भेज देते हैं काट काम। क्या क्या चीज़ें बनती हैं भैया? हम आगे से मकान देते हैं बनाओ क्या इस काम का। इनके क्या क्या नाम है जो चीज़? इनका नाम है, इसका नाम पार्सल है, धनिया है, सोया है, माजून है और जी थाइम है, सेज है, एक फ्लाइट पार्सल है, ये 7-8 वैरायटी है इनकी। इनकी दवाइयाँ क्या बन क्या बस ये आगे का नहीं हमें पता है इसमें बनता क्या, हमें तो इतना पता है हम तैयार करके उनकी गाड़ी में डाल दें और अपना जो अगले महीने के पेमेंट मिल जाता है इसका। क्या आप बता रहे हैं कि इसमें कहीं ना दवाइयाँ या फिर अन्य मसाले वसाले बनते हैं, तो क्या जानकारी आप पूछ सकते हैं? कंपनी की तरफ से और ये लोग आगे बना लगे हैं इसमें और अपना कर रहे अपना 10 रुपये मजदूरी, बस मजदूरी सही हिसाब का हिसाब बन रहा है इसमें। मतलब अगर इस साल बारिश ने ज़्यादा मार दिया तो कुछ ढिल्ला रहेगा नहीं, प्रॉफिट ठीक है मना मजदूरी सही सी मिल हो जाती है। बस इस बारे में मैं कह सकता आगे का कुछ क्या हो रहा है समाज में, क्या आगे की जानकारी कुछ नहीं है मुझे इसमें। मुझे तो इतनी जानकारी है कि मैं खेत में तैयार करिए अपने तैयार करके गाड़ी काटती और गाड़ी भर दी ले भाई मेरी तरफ तक। आगे वो तो एक बार मैं गया वहाँ कंपनी में, जहाँ से मैं बता रहा हूँ पीसी देख के मना वहाँ से, तो उस कंपनी में गया मैं एक बार, जहाँ मैं बता रहा हूँ पीसी जो वो सुखा कर उन्होंने पैकिंग कर रखी थी वह देख कर बताई मैंने, जहाँ तो मैं आपको बताई। हाँ जी, ये जो खेती है ना इसका नाम पार्सल है, तो हमने इसे अच्छी तरह साफ सूफ करके आगे कंपनी में भेजते हैं। इसमें ना कोई भी कचरा नहीं भेज सकते हम, इसमें पीला पत्ता भी नहीं भेज सकते हम इसमें। तो फिर इसका ना इसमें धोते हैं हमें, गर्म पानी में निकालते हैं, फिर ठंडे में निकालते हैं, फिर ठंडे से निकाल के ना उसे सुखा के वो करते हैं, इसका चूरा सा बनाते हैं, बहुत बारीक पीस देते हैं हमें, उसका पत्ता अलग कर देते हैं, इसकी डंडी डंडी अलग कर देते हैं। तो इस तरह का ही पता है बस हमें जी, इसके मसाले बता रहे थे जो मतलब इन्हें ले जाते हैं ना वो इसके मसाले बता रहे थे कि इसके मसाले बनते हैं। कुछ की दवाइयाँ, कुछ की दवाइयाँ बनती है, बहुत सारी है इसमें। तो आप लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे? जी ठीक ठाक सा मिल रहा है। किस तरह के कितने मानते हैं गाँव में, कितने परिवारों को इससे रोजगार मिल रहा है? हमारे गाँव में तो करीब करीब सब ने कर रखा है ये काम। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।